Okay, hello everyone. This is Shinanti, and first of all, very congratulations to all the students out there जिनका भी selection IPM इंदौर में हो गया है. Written test की results आ चुकी हैं. So congratulations to all the students जिनका भी shortlisting या selection हो चुका है. Now we all know that this is not you know the final day or the judgment day, the tier day, right? We have a lot to cover. Yet after the written test, so very good thing कि written test यानी कि पहला पड़ाव आप पार कर चुके हो. But इसके बाद आते हैं आपके interview sessions, ठीक है? Written test तो definitely बहुत मायने रखता है, उसका एक certain weightage आपके लिए count होगा. But इसके बाद जो importance रखता है, that is your interview. आप IPM के interview के लिए कितने prepared हो, किस तरह से आप prepare कर रहे हो, किस तरह से आप answer कर रहे हो, क्या क्या प्रॉबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से आपको आंसर करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, बिकॉज एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे आपकी इवैल्यूएशन होती है, राइट? सो दिस वीडियो इज पर्टिक्यूलरली यू नो मेंट फॉर दिस प्रेपरेशन ऑफ आईपी मैट, ठीक है, इंदौर स्पेसिफिकली, ठीक है? तो एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें आंसर करना चाहिए, किस तरह से हमें प्रेजेंट करना चाहिए, एंड देन लेट्स सी फाइनल क्या आता है हमारा रिजल्ट. ओके, सो आई प्रिपेयर अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस, जहां पे आई एम गोना एक्सप्लेन इन ईच एंड एवरीथिंग द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड एंड द वे यू आर सपोज्ड टू आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन. तो एक एक करके सारी चीजों को डील करते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट कम फर्स्ट, एचआर क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक होती है, हर जगह आपसे हर बार पूछा ही जाता है, ठीक है? सिमिलरली आईपी मैट इंदौर में भी, आईपीएम इंदौर, आईआईएम इंदौर के लिए आपसे पूछा जाएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अलोंग विद ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नो द पॉइंट इज कि जब हमें ये क्वेश्चन हम पे थ्रो करा जाता है, हमें ऐसा लगता है कि वी नीड टू स्पीक अबाउट आवर रिजल्ट्स, वी नीड टू स्पीक अबाउट आवर 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स. नहीं, ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी उस इंटरव्यूअर के पास है. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ही वांट्स टू नो यू आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ दैट स्कोर कार्ड, आउट ऑफ दैट एग्जाम, कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, ठीक है? सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शो योर ग्रैटिट्यूड. नाउ ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक पॉइंट पे आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, ठीक है? तो लास्ट में आएंगे हम थोड़ी देर बाद में कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, बट पहले ये वाला क्वेश्चन केटर करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से आपके फॉलो अप क्वेश्चंस धीरे 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 बनते जाते हैं, ठीक है? ओके, पहली बात तो ये है कि आपका जो इंटरव्यू होगा दैट इज मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स का होता है, एक स्टूडेंट का एक इंटरव्यू, ठीक है? पैनलिस्ट, आप नंबर ऑफ पैनलिस्ट 1 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जनरली एक ही होता है. ओके, इंटरव्यूअर कैन बी वेरी फ्रेंडली, कैन बी वेरी लीनियंट, कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट. आपको लीनियंट अगर कोई इंटरव्यूअर मिलता है तो उसके साथ एकदम बह नहीं जाना है. यू आर नॉट सपोज टू बी यू नो कम्प्लीटली इनफॉर्मल एंड हाई हेलो यू नो हाई बॉडी टाइप्स बातें कर रहे हो. नो, दैट शुड नॉट बी द केस. यू हैव टू बी फॉर्मल देयर. द अदर पर्सन माइंड ट्राई टू फोर्स यू टू बिकम अ बिट मोर इनफॉर्मल, मोर देन रिक्वायर्ड, बट यू आर सपोज टू मेंटेन योर पर्सनैलिटी देयर, ठीक है? आपको अपना क्लास, अपनी स्टैंडर्ड वहां पे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है? सो आप सेमी फॉर्मल हो सकते हो, अ बिट ऑफ यू नो हल्का फुल्का सा हंसी मजाक एंड ऑल, बट इन लिमिट्स, ओके? क्योंकि एक फॉर्मल इंटरव्यू है तो फॉर्मल इंटरव्यू की तरह ही आप इसको लेंगे, अगला इंसान कैसे भी रहे, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी फॉर्मल, राइट? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में सबसे पहले तो आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हो, समथिंग लाइक थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ. Then you go with your name. For example, अगर मैं बोलूंगी तो I would be like, my name is Shinmanti. I am born in Bengal and brought up in Delhi. ठीक है? तो कहाँ से मैं belong करती हूँ, मेरा residence क्या है, हल्का one line each. ठीक है? बहुत नहीं बोलना है. ओवर स्पीक करोगे तो अगला बंदा सुन के एकदम से बोर हो जाएगा. वो वाला स्टेज नहीं लाना है. मोनोटोनस सी कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी मच इन यू नो सिंक कि हाँ, आप अपने बारे में बताओ भी, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करो, बट एट द सेम टाइम क्रिस्प रखो कॉन्टेंट को, ठीक है? ताकि वो इंटरेस्ट, वो मिस्ट्री आपके लिए ना बना रहे, अगला इंसान आपको और जानने के लिए यू नो इच्छुक हो. अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में ही पूरी दुनिया जहान की कहानी बता देते हो, द अदर पर्सन टेंस टू थिंक यार ये तो इतना बोलता है, सुनता ही नहीं है, नॉट अ गुड लिसनर, और लिसनिंग के आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है? तो उतना बोलो जितना रिक्वायर्ड है, एंड डोंट ओवर स्पीक और ओवर डू इट,
ठीक है. सो यू से कि कहाँ से आप बॉर्न एंड ब्रॉटअप हो, देन अ बिट अबाउट योर फैमिली. यू कैन स्पीक दैट आई डू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली विद माई मॉम वर्किंग इन एक्स वाई जी, माई डैड वर्किंग इन ए बी सी, आई हैव अ यंगर सिबलिंग who is doing this right now, and here I am who is appearing for the interview so that I can crack it and get into your college, something like that. ठीक है. उसके बाद आप अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल को डिफाइन करते हो. लॉन्ग टर्म गोल आपका हो जाएगा कि कुछ 8-10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो ना. ऑब्वियसली बात है, आपने कुछ तो सोच रखा होगा अपने बारे में कि आपको 8-10 साल बाद करना क्या है लाइफ में. ठीक है. सो स्पीक अबाउट दैट. ठीक है. अब आप IPM के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली बिजनेस माइंडेड होगे, तो हो सकता है आप आगे जाके अपने आप को किसी अच्छे से कॉर्पोरेट में देखो. ठीक है. एक अच्छे लीडरशिप पोजीशन पे, एक मैनेजरियल रोल पे खुद को देखो. या हो सकता है आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो, दैट वुड बी द केस एज वेल. या हो सकता है आप अपनी फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हो. कैन बी एक्स वाई जी, वॉट एवर इट इज, स्पीक इट अप. ठीक है. शॉर्ट टर्म गोल शुड बी ऑलवेज टू एंटर द कॉलेज दैट यू आर अपीयरिंग द इंटरव्यू फॉर. राइट नाउ इट शुड बी IIM इंदौर. सो माई शॉर्ट टर्म गोल शुड बी टू एंटर दिस कॉलेज फॉर IPM कोर्स. राइट. देन यू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, ओनली स्ट्रेंथ्स एंड नॉट वीकनेसेस. हमें अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना है. जब तक हमसे पूछा नहीं जा रहा है, हम अपनी वीकनेसेस के बारे में नहीं बताएंगे. ठीक है. स्ट्रेंथ्स में ना आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना होता है, वो स्किल्स जो आपके IPM से अलाइन करें. नाउ फॉर एग्जांपल बिजनेस है, बिजनेस मैनेजमेंट ही है, तो बिजनेस मैनेजमेंट से इंक्लाइन करता हुआ आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका लीडरशिप क्वालिटी है, टीम प्लेयर है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है. ठीक है. प्रेजेंटेशन स्किल्स हो सकती हैं. ठीक है. ऑल दिस काइंड ऑफ स्किल्स जो कि रेलिवेंट है. टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, परफॉर्मेंस इन अंडर प्रेशर हो सकता है. ठीक है. वो सारे स्किल्स को आपको स्ट्रेंथ की तरह शो करना है जो आपके बिजनेस मैनेजमेंट से अलाइन होता हो. ठीक है. ये आपने बता दिया. इसके बाद आप एक दो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताते हो. वो अचीवमेंट्स आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता है, अकेडमिक से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी और हो सकता है. ऑब्वियसली बात है, इस एज में आपने बहुत कुछ, तो शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर रखा है. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. जितना अचीव कर रखा है आपके लेवल पे, जो आपको लगता है इज द बेस्ट अचीवमेंट यू हैव टिल देन, यू कैन स्पीक अबाउट दैट. ठीक है. और फाइनली आप आते हो अपनी हॉबीज पे. यू टॉक अबाउट योर हॉबीज लास्ट में. ठीक है. ये आपके पॉइंटर्स है, आप नोट डाउन कर सकते हो व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आउट. अपने हॉबीज के बारे में बताइए एंड देन फाइनली यू एंड इट विद थैंक यू. ठीक है. तो बहुत क्रिस्प रखना है, एक एक पॉइंट के बारे में एक एक लाइन शुड बी मोर देन इनफ. अब अगर इंटरव्यूअर को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो वो उसी कंटेंट में से, आपके इंट्रोडक्शन में से फर्दर क्वेश्चन पूछेगा. फॉर एग्जांपल आपने को करिकुलर में स्पोर्ट्स में बहुत कुछ अच्छा कर रखा है, नेशनल्स पे गए हो, तो वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. कि अच्छा नेशनल पे गए हो, बताओ इस पर्टिकुलर गेम में कौन सी अवार्ड मिलती है या कौन सा ट्रॉफी मिलता है, इस ट्रॉफी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस बारे में आपको डिटेल अच्छे से पता होना चाहिए. दैट शुड बी एन आइडियल इंट्रोडक्शन फॉर योर सेल्फ. अगला क्वेश्चन कैन बी टेल अस समथिंग अबाउट द प्लेस यू रिसाइड इन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिसाइड इन दिल्ली, आई कुड बी आस्क्ड कि मुझे दिल्ली के बारे में कुछ बताओ. तो दिल्ली के बारे में क्या क्या फेमस चीजें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्ट्रीट फूड है, कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री है. ठीक है. और बाकी अगर आपको कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अगर चीजें पता है तो आप वो बता सकते हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पता है तो आप वो बता सकते हो, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर आपको पता है तो आप वो बता सकते हो. ठीक है. तो एनी प्लेस दैट यू स्पीक यू बिलोंग टू, उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज आपको होना चाहिए कि उस एरिया के बारे में क्या क्या चीजें फेमस हैं, क्या क्या चीजें अच्छी हैं. ठीक है. अगला चीज जो आपसे पूछा जा सकता है इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये अगर वो आपसे अलग से पूछता है तो स्ट्रेंथ्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ आपको कैसे बताना है. ठीक है. आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना है, वो स्किल्स दैट अलाइन विद बिजनेस मैनेजमेंट. राइट. गलती करते हैं बच्चे वीकनेसेस पे. ना जब आपसे वीकनेसेस पूछा जाता है ना, मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं ना, हम ना अपने स्ट्रेंथ्स को ही वीकनेस की तरह शो कर देते हैं. मैं बहुत ओवर पंक्चुअल हूँ, मैं बहुत ओवर डिसिप्लिन्ड हूँ, दैट इज अ वीकनेस. नो, दैट इज नॉट अ वीकनेस. पंक्चुअलिटी या फिर डिसिप्लिन ये कभी भी वीकनेस हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है. ठीक है. ब्लफ नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, और किसी भी तरीके से बहुत यू नो कवर अप करने की कोशिश नहीं करना है. ह्यूमन बीइंग हो तो वीकनेस है, अपने वीकनेस को खुल के बताओ,
हो सकता है आप इम्पेशेंट हो, यू विल स्पीक अबाउट इट दैट आई, लेकिन उसको बताने का तरीका शुड बी वेरी वेरी क्लीन, ठीक है? ऐसा लगे ना, अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैं तो बहुत गुस्सैल हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ना, अगला इंसान कहेगा भाई तुम इतने गुस्सैल हो, तुमको तो ज्यादा काम दिया जाएगा, यू विल बी किलिंग आउट पीपल आउट देयर इन द यूनिवर्सिटी, सो व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, ठीक है? तो वो चीज नहीं आने देना है. व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू कैन सिंपली से, थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विक करना है, डिप्लोमेटिकली आंसर करना है, ठीक है? व्हाट यू कैन सिंपली से इज दैट आई टेंड टू गेट इंपेशेंट एट सर्टेन टाइम्स व्हेन आई लैक इन द क्वालिटी ऑफ माई वर्क और इन टाइम मैनेजमेंट, कुछ इस तरह से, ठीक है? एंड साथ ही साथ आप ये भी बताओ दैट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कोप अप विद दिस थिंग बाई स्केड्यूलिंग टाइम्स प्रॉपर, यू नो द टाइम लाइन प्रॉपरली, और बाई कंप्लीटिंग द वर्क बिफोर और ऑन टाइम, ठीक है? तो किस तरह से आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो उस वीकनेस के लिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो वो जरूर बता करो. ओके, प्रोकेस्टिनेशन हो सकता है, प्रोकेस्टिनेशन के लिए भी आप यू नो स्केड्यूलिंग या रूटीन मेंटेन करने की बातें कर सकते हो. टाइम मैनेजमेंट कुड बी अ वीकनेस. तो जो भी आपकी वीकनेस है उसको क्लियरली और सच सच बताना है. ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत मार्क्स गेन करती है, तो ऑनेस्टली बताइए कि क्या आपकी वीकनेस है और उस वीकनेस को कोप करने के लिए आप क्या कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? आपके टॉप 3 स्ट्रेंथ्स और टॉप 3 वीकनेसेस आपके सामने बिल्कुल रेडी होनी चाहिए. ऐसा नहीं इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर कंप्लीटली ज़ोन्ड आउट, मुझे तो पता ही नहीं मेरी वीकनेस क्या है. दो चीजें कभी भी नहीं बोलनी होती है. पहली चीज, मेरे में कोई वीकनेस नहीं है. नो, इफ यू आर अ ह्यूमन बींग, इफ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बींग, यू विल डेफिनेटली हैव वीकनेसेस, तो उसको ऑनेस्टली बताओ. दूसरी चीज, आई डू नॉट नो व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, या आई डू नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ्स एज सच. नो, दैट विल शो अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर आप वीकनेस में कहते हो मेरी कोई वीकनेस नहीं है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करते हो. अगर आप स्ट्रेंथ्स में कहते हो मेरी कोई स्ट्रेंथ्स नहीं है, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करते हो. दोनों ही चीजें आपके इंटरव्यू के लिए खराब करेंगी. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई बिफोर हैंड कि आपके टॉप 3 स्ट्रेंथ्स एंड टॉप 3 वीकनेसेस क्या क्या है. व्हाई आईपीएम इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आईपीएम के लिए आपको क्यों जाना है, उसके लिए आप प्रॉपर एक आंसर पहले से ही डेवलप करके रख सकते हो. IBM is considered to be one of the best courses for business management. We all know that. ठीक है? So this is a particular course that will help you in enhancing yourself holistically and preparing yourself to the best of your managerial role. ठीक है? Manager के तौर पे, you know, you need to be very rigorous, you need to work under pressure, you need to be very very confident, you need to be upfront, you need to be very straightforward, you need to have a damn good communication, you need to have a very good hold on leadership qualities and all of that. तो ये चीजें मुझे IBM प्रोवाइड करा रही हैं. That's the reason I want to go for this. Okay? Why IIM Indore? Now, इसके लिए आप आंसर कर सकते हो डायरेक्टली इंदौर के साइट पे. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि IIM इंदौर के साइट को आप अच्छे से एक बार पढ़ लो. क्या क्या इंदौर आपको ऑफर कर रहा है? कैन बी प्लेसमेंट्स, कैन बी इंटर्नशिप्स, कैन बी लाइव प्रोजेक्ट्स, कैन बी फैकल्टीज, कैन बी गेस्ट लेक्चर्स, कैन बी कॉन्क्लेव्स, कैन बी फेस्ट, कैन बी एनी अदर थिंग, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह वगैरह, ठीक है? तो उन सब के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना. आपको बोलना है कि इंदौर, IIM इंदौर ही क्यों, ठीक है? हो सकता है, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो IIM इंदौर की रैंकिंग भी बता देना. अभी NIRF की रैंकिंग निकली है, उस रैंकिंग की लिस्ट में आपको IIM इंदौर की भी रैंक मिल जाएगी. गो एंड चेक आउट कि IIM इंदौर की रैंकिंग क्या है, उसको मेंशन करो. अगला पर्सन ऑलरेडी खुश हो जाएगा कि ये इंसान ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, बहुत ज्यादा इस यूनिवर्सिटी के बारे में इसको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है. सो डेफिनेटली ही और शी इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अस, ठीक है? ये इंप्रेशन आपको थ्रो करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where do you see yourself 7-8 years down the line? ये मैं आपको ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ. Which other institutes did you get a call from? और कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आई है, ऑनेस्टली आंसर करना है इसको, ठीक है? कि हाँ, इन इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आई है, बट IIM Indore is nothing but a brand in itself. So whatever college I have been selected in is a separate thing, but I want to pursue my career in IIM Indore only. ठीक है? तो आप ये तो बताओगे ही ऑनेस्टली कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आप सेलेक्ट हुए हो. साथ ही साथ आप ये भी बताओगे कि सब कुछ छोड़ के आप इंदौर के लिए ही क्यों जाना चाहते हो. राइट? व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट? आई हैव आल्सो ऑलरेडी आंसर्ड दैट. स्पॉट करके रखो कि आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहा है. व्हिच इज द लास्ट बुक यू रेड? गिव अ सिनॉप्सिस. लास्ट आपने कौन सी बुक पढ़ी हुई है या कौन सी मूवी देखी है, वेब सीरीज देखा है, वो याद कर लेना और उसका एक सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस में आपका डायरेक्शन किसका है, राइटर कौन है, एक्टर्स कौन है, कैरेक्टर्स कौन है, ये सारी चीजें डालना इंपॉर्टेंट होता है. सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट? स्पेशली इफ यू आंसर दैट योर हॉबी इज रीडिंग इन फ्री टाइम,
ठीक है. आर यू अ गुड टीम प्लेयर गिव एन इंस्टेंस वेयर यू प्रूव्ड टू बी अ गुड टीम प्लेयर. नाउ आपसे सी व्हेन एवर यू गो फॉर अ मैनेजेरियल रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टीम प्लेयर ना बहुत अच्छे रहो, टीम आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना आए. ठीक है. सो आपसे पूछा जाएगा और आप इसके जवाब में ना तो नहीं बोलोगे, नहीं बोलना है कि नो आई एम नॉट अ गुड टीम प्लेयर, नो यू नॉट गोइंग टू से दैट, यस आई एम अ गुड टीम प्लेयर. और अलॉन्ग विद दैट आपने टीम कब मैनेज किया है या टीम में कब कॉन्ट्रीब्यूट किया है, किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कितना अच्छा किया है, वो एक इंस्टेंस कोई भी अपनी लाइफ का जहाँ पे आपने टीम मैनेजमेंट की हो, टीम में अच्छा परफॉर्म किया हो, वो जरूर नोट करके रखना. अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वाई यू, तुम ही क्यों? देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड टू गेट इन टू दिस कॉलेज, वाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट. ये क्वेश्चन डायरेक्टली अलाइन करता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि हम तो आपको पढ़ा देंगे, वॉट आर यू गोइंग टू डू फॉर आर कॉलेज, आप मेरे कॉलेज में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए कुछ पॉइंटर्स बिल्कुल मस्त होते हैं, आपको वो बोल देना है, बस यू डन. पहला पॉइंट क्या है, अकॉर्ड अकेडमिक्स को नहीं लाना है. अकेडमिक्स में आप अच्छे हो तभी आप इंटरव्यू के सामने बैठे हो, तो ये नहीं बोलना आई एम वेरी सिंसियर एंड वेरी हार्ड वर्किंग. ये हर दूसरा स्टूडेंट कहेगा, यू नीड टू स्टैंड आउट. अगर आप हार्ड वर्किंग सिंसियर बोलोगे तो अगले स्टूडेंट की तरह आप भी तो कॉमन ही हो ना, तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे. ठीक है, तो आपको अलग पॉइंटर्स बताने हैं. क्या बताओगे आप? ये बता सकते हो, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन एंड रिप्रेजेंट आई एम इंदौर. एक पॉइंट ये आप बता सकते हो. एक पॉइंट आप ये बता सकते हो, आई एम गोइंग टू वॉलंटियर इन सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, फेस्ट्स एंड इवेंट्स दैट हैपन इन द कॉलेज, आप वो बता सकते हो. तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो दैट यू आर गोइंग टू एक्ट, आई एम गोइंग टू एक्ट एज अ रेफरल टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर दिस कॉलेज. नाउ ऑब्वियसली बात है, अगर आप इस कॉलेज में हो और आपको बहुत अच्छी लगी कॉलेज, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी तो रेफर करोगे ना कि हाँ भाई इस कॉलेज में आओ. ठीक है, सो यू आर एक्टिंग एज अ रेफरल. चौथा बहुत प्यारा पॉइंट है जो आप ये बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू एक्ट एज अ एन इनडायरेक्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कॉलेज इन फ्यूचर. व्हाट डज दैट मीन? अगर कल को आप बहुत एक अच्छी जगह पे पहुंच जाते हो, अच्छी आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में हो आप, तो आईआईएम इंदौर का टैग तो आपके साथ हमेशा लगा रहेगा ना. कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई आप कहाँ से हो, तो आप तो यही कहोगे ना कि मैं आईआईएम, मेरा एल्मा मैटर जो है दैट इज आईआईएम इंदौर. तो आप क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली ब्रांड एम्बेसडर का ही तो काम कर रहे हो. ठीक है, सो यू कैन मेंशन दीज ऑल पॉइंट्स, राइट. इसके बाद आई थिंक दिस शुड बी इट. एचआर क्वेश्चंस में यही सारी चीजें पूछी जाती है, इसी से रिलेटेड थोड़े बहुत इधर उधर के और क्वेश्चंस प्रिपेयर आपको करने हैं जो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल या फिर स्किल बेस्ड क्वेश्चंस. टेक्निकल क्वेश्चंस या स्किल बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाता है, दे गो टू आस्क यू स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे What is the difference between a leader and a manager? इसका तो आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए. ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजर का काम, मैनेजर इज नथिंग बट अ बॉस, जो आपसे काम निकलवाए, उसको आपके इम्प्रूवमेंट, आपके ग्रोथ, आपके पर्सनल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता. आपको वो हमेशा बॉसी नेचर में दिखाई देगा, वो हमेशा आपको ऑर्डर करता हुआ, डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा. वेयर एज लीडर इज अ पर्सन, या लीडरशिप एक ऐसा रोल होता है जहां पे आप तो आगे बढ़ते ही हो, साथ में अपने पूरे टीम को आगे लेके चलते हो. ठीक है, आपके टीम मेंबर को कभी जरूरत होती है तो आप हमेशा वहां पे शामिल होते हो, मौजूद होते हो टू हेल्प देम आउट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ का पूरा पूरा ध्यान रखते हो. क्रिटिसाइज अगर करना होता है तो इन अलोन करते हो, तारीफ करनी होती है तो सबके सामने करते हो. क्रेडिट ले ही लेते हो हर चीज का, यू ट्राई टू गिव द क्रेडिट टू योर टीम मेंबर्स, लेकिन अगर कभी गलती होती है तो अकाउंटेबिलिटी खुद लेते हैं. तो लीडरशिप इज अ वेरी बिग टर्म, मैनेजर इज अ छोटू सा टर्म, लीडरशिप एक बहुत बड़ा टर्म होता है जिसमें काफी कुछ होता है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है. हु इज योर फेवरेट बिजनेस लीडर एंड व्हाई? नाउ जो भी आपका फेवरेट बिजनेस लीडर है, इट कैन बी रतन टाटा, इट कैन बी मुकेश अंबानी, इट कैन बी इलॉन मस्क, इट कैन बी जेफ बेजोस, इट कैन बी एनीवन, whoever you name, आपको उस इंसान के बारे में अच्छा डिटेल पता होना चाहिए और आप उसको एक अच्छा बिजनेस लीडर क्यों मानते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है टुवर्ड्स दैट पर्सन, इसके लिए भी आपके पास आंसर होना चाहिए. अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. अकाउंटेंसी या फाइनेंस इज पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड या फिर बिजनेस बेस्ड. Economics talks about the whole country,
फाइन. व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? नाउ ये होता है आपका बिल्कुल डुबो देने वाला क्वेश्चन. प्लीज आंसर करना उस अकॉर्डिंग, जस्ट अकॉर्डिंग आप कॉन्फिडेंट हो. अगर आपका बीएसटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बीएसटी बोलना, अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स, और उसके फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे. अगर आप बीएसटी बोल रहे हो तो आपको बीएसटी से रिलेटेड चीजें, यू नो फोर पीस क्या होती है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. अगर आप अकाउंटेंसी कह रहे हो तो पीएनएल क्या होता है, एसेट लाइबिलिटीज क्या होती है, उनके अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है, वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स कह रहे हो तो जीडीपी से रिलेटेड चीजें, टैक्सेस से रिलेटेड चीजें, रिसेंट अमेंडमेंट्स, करंट जीडीपी कंट्री का क्या चल रहा है, इकोनॉमी कंट्री के इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है, सोच है, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपको प्रिपेयर रहना है. ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन. What is your favorite subject is done. Name some companies that recently opened their IPO. Now business related news आपके लिए बहुत important है. Current कौन कौन सी companies है जिन्होंने अपना IPO खोला है. IPO खोला है अगर, successful हुए हैं क्या? हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो tell me why do you think ये successful नहीं हो पाया. IPO is initial public offering, I hope you are aware of that. ठीक है, तो ये detail आपको पता होनी चाहिए. Moving on to the next slide, again some continued questions. What is the current GDP of a country? बहुत important है, national news. Can you mention some recent acquisition and merging of companies? कोई recent organization merge किया हो या फिर acquisition हुआ हो, acquire किया हो किसी ने किसी को, उसके बारे में बताइए. उसके लिए आपको business related news के बारे में पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए. What are the qualities of a good manager? एक अच्छे manager होने के क्या क्या qualities हैं? ठीक है, वो आपको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करेगा, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, आपको आपके काम के लिए क्रेडिट देगा. ठीक है, पर्सनल ग्रजेस नहीं लाएगा बीच में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. ठीक है, आपको जब भी जिस तरह से भी सपोर्ट या डेमो चाहिए होगा, द पर्सन वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी वे पॉसिबल. ये चीजें होती हैं छोटी छोटी जो एक अच्छे मैनेजर की निशानी होती है. एनी न्यूज यू रेड दिस मॉर्निंग, आज सुबह की कोई भी ताजी ताजी खबर बताओ. आज सुबह तुमने जो भी हेडलाइन पढ़ा है, व्हाट इज द हेडलाइन, आज का हेडलाइन क्या है. तो जिस भी दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन का हेडलाइन और जो भी टॉप न्यूज है वो जरूर पढ़ के जाना. ठीक है, डिस्क्राइब एनी रीसेंट एडवर्टाइजमेंट दैट कॉट योर आई. ठीक है, कोई भी रीसेंट एडवर्टाइजमेंट जो आपको बहुत इन्फ्लुएंशियल लगा, बहुत इफेक्टिव लगा, बहुत यूनिक लगा, अच्छा लगा, उसको एक्सप्लेन करो. तो ये चीजें आपके पास बिल्कुल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. फाइन, इसके बाद आती है कुछ जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है. यू कैन से यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. G20 समिट हुआ था अभी, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. मोदी जी के US विजिट के बारे में क्या क्या हाइलाइट्स हैं वो पता होना चाहिए. करंट चेंजेस इन GST एंड टैक्सेस आपको पता होगा, करंटली कुछ चेंजेस करे गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करे गए हैं GST एंड टैक्सेस में, क्या क्या है वो पता होना चाहिए. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, क्या क्या आई है, किस तरह की रैंकिंग है, वो सब पता होना चाहिए. इसके अलावा बिजनेस रिलेटेड न्यूज वगैरह तो है ही. ठीक है, सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी देयर हियर. यहाँ पे बिल्कुल फिट होना चाहिए. इसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है, उसकी मर्जी है. कमिंग अप नेक्स्ट इज ग्रूमिंग. राइट, तो दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है. नाउ बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि यार अगर उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछा, 10 में से मुझे सिर्फ 6 क्वेश्चन आए, 4 नहीं आए, तो क्या मैं समझू कि मेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अब 10 में से 6 क्वेश्चन ही आंसर करो, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, सही सही करो. ठीक है, और जो 4 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उसके लिए आप शो करो कि आपको नहीं आता है, लेकिन आप घर जाकर उसको चेक करो. सिंपली पैनिक नहीं करना. ठीक है, अगर आप जो जानते हो क्वेश्चंस उसके लिए कॉन्फिडेंट हो, तो आप जो नहीं जानते हो उसके लिए भी कॉन्फिडेंट होना है. यू सिंपली गोना से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई विल डेफिनेटली गो बैक आफ्टर द इंटरव्यू एंड चेक आउट द न्यूज और द क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड. ठीक है, सो बहुत पोलाइटली आंसर करना. नहीं आता, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, बट डू नॉट शो दैट हियर. यहां जो दिखता है वही कॉन्फिडेंस होता है, जो यहां दिखेगा वही बिकेगा. बहुत सिंपल सी लॉजिक है. यहां पे आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे होंगे, दैट्स फाइन, यू आर सिटिंग ऑन द हॉट सीट, सो डेफिनेटली आपके हाथ पैर ठंडे होंगे, पैनिक होगा, शिवरिंग होगी, सब कुछ होगा, बट वो यहां शो नहीं होना चाहिए. यहां पे हमेशा एक स्वीट सा स्माइल होना चाहिए, और आवाज में, यहां टोन में,
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू के लिए कि आप ग्रूम्ड कैसे हो, ठीक है। मैं बॉयज के लिए अलग एंड गर्ल्स के लिए अलग बता देती हूँ, हाउ यू आर सपोज टू ग्रूम योर सेल्फ। फॉर बॉयज फर्स्टली आपको अपने हेयर बहुत नीटली बनाने हैं, स्पाइक्स जेल एंड ऑल ऑफ दैट नहीं करना है, बड़े या लंबे बाल आप नहीं रखोगे, कट डाउन कर दो सारा, एकदम सिंपल सोबर। आप एक इंटरव्यू के लिए गए हो, आप मॉडलिंग के लिए नहीं गए हो, ये बात क्लियर रखो अपने माइंड, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड यू नीड टू लुक गुड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अगर मैनेजर की तरह दिखोगे तो मैनेजर की तरह बोलोगे भी, मैनेजर की तरह वाइब भी दोगे, तो अगला इंसान डेफिनेटली इंप्रेस्ड होगा, ठीक है। सो पहली तो चीज हेयर लड़कों का बिल्कुल अच्छे से टाइड अप करना है, बहुत प्यारे से रखना है, जेलिंग वेलिंग कुछ नहीं, नहाओ दो बैठ जाओ। सेकेंड थिंग इज दैट आपको शर्ट पहनना होता है, फॉर्मल शर्ट पहनना होता है जिसका कॉलर तक का बटन आपका बंद हो, नीचे आप पहनोगे फॉर्मल ट्राउजर्स मैच करके पहनोगे। फिर वेयरिंग अ वाइट शर्ट यू आर सपोज्ड टू वेयर अ ब्लैक ट्राउजर और अ ग्रे ट्राउजर और अ ब्लू ट्राउजर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ, ठीक है। टाई पहनोगे आप, फॉर्मल टाई, शादी वाला टाई नहीं, फॉर्मल टाई लगाओगे आप और बहुत नीटली मेड, फाइन। एंड अलॉन्ग विद दैट आप एक कोट पहनोगे या ब्लेजर पहनोगे, एसी में बैठ जाना दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर की बात है, जब तक आप इंट्रैक्ट करोगे इट्स गोइंग टू बी ऑल फाइन, ओके। सो वेयर अ कोट, अ ब्लेजर और अ कोट फॉर द टाइम दैट यू आर सिटिंग फॉर द इंटरव्यू, फाइन। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क कुछ भी नहीं, एज क्लीन एज पॉसिबल, फॉर्मल है, ठीक है। शेव कर लेना है आपको, बियर्ड वगैरह मुस्टाश वगैरह कुछ नहीं रखना है, क्लीन शेव करके बैठना है, ओके। सो दिस इज ऑल यू नीड टू वर। अगर आप वॉच पहनना चाहते हो वॉच पहन सकते हो, फॉर्मल वॉच, फंकी वाले वॉचेस नहीं, फॉर्मल वॉच पहनोगे, दैट शुड बी इट। आपका पॉस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जस्ट द वे आई एम सिटिंग राइट नाउ, ठीक है। और ये जो टेबल होगा उसमें आपको हाथ ऐसे नहीं रखना है, ऑब्वियस सी बात है, आप जब इंट्रैक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी हैंड मूवमेंट करोगे, क्योंकि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन ही सब कुछ नहीं होता है, नॉन वर्बल या जेस्चर्स भी बहुत मैटर करती हैं, तो डेफिनेटली आप अपने हैंड्स मूव करोगे, लेकिन हाथ आपका कभी फेस पे नहीं जाएगा, कभी आप बाल ऐसे कर रहे हो, कभी आप ऐसे कर रहे हो, कभी आप ऐसे कर रहे हो, कभी आप ये कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एनीथिंग, नो, आपका हाथ आपके फेस को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स पे आते हैं, गर्ल्स यू सपोज टू वेयर ऑब्वियसली अ फॉर्मल शर्ट, ठीक है, आपको यहाँ तक बंद करने की जरूरत नहीं है, टाई पहनने की जरूरत नहीं है, नीचे आप कोई फॉर्मल स्कर्ट पहन सकते हो, फॉर्मल ट्राउजर पहन सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको भी एक कोट या ब्लेजर पहनना है, आपका बाल बिल्कुल क्लीनली नेट होना चाहिए, यहाँ पे टाइड अप होना चाहिए, बिल्कुल पोनी बनाना है, इधर उधर से लॉक्स नहीं निकलने चाहिए, अगेन यू आर नॉट गोइंग फॉर अ मॉडलिंग, ठीक है, बहुत क्लीनली नेट कर लेना है, ओके। अगर आप मेकअप करते हो तो ओवर मेकअप नहीं करना है, हल्का फुल्का सा आपको जो लगाना है फेस पे लगा लो, तो अगर आपको काजल लगाना है तो हल्का सा एक काजल का स्ट्रोक लगा लेना यहाँ पे, दैट शुड बी इट, फाइन। लिपस्टिक अगर लगाना है तो मैंने जो कलर लगाया है इस तरह के कलर्स नहीं लगाने, चटकीले एकदम यू नो वैसे करते हुए, नो, अ वेरी न्यूड शेड और अ लाइट शेड और अ सिंपल लिप बाम विल डू, दैट्स इट। झुमके वगैरह इयररिंग्स बहुत बड़े बड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। कान आपके विजिबल होना चाहिए जब आप बैठ रहे हो इंटरव्यू के लिए, ओके। आपके हाथ में आपके नेल्स बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, आप देख सकते हो मेरे नेल्स कैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नेल्स रखने हैं आपको। अगर आप कोई नेल पेंट लगा रहे हो तो दैट शुड बी अगेन न्यूड इन कलर, एक्सटेंशन वगैरह नहीं रखना है, प्लीज नेल एक्सटेंशन वगैरह अगर आपके हैं तो इमीडिएटली रिमूव करवा लेना, फाइन, दैट शुड बी इट। लड़कियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ आपके मुंह पे कहीं जाना नहीं चाहिए, और जब आप बात कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी आई कॉन्टेक्ट ये होनी चाहिए, ऐसे 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 नहीं, ये, ठीक है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आपको बात करनी है, हैंड मूवमेंट इज अलाउड, ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी ओवर डू नहीं करना है, एक स्वीट सा स्माइल आपके फेस में डेफिनेटली होना चाहिए। कुछ डूज एंड डोंट्स मैंने आपके लिए नोट किया है, आप प्लीज वो देख लीजिए। डू नॉट ओवर स्पीक, बहुत ज्यादा ब्लैबर नहीं करना, बोलते जा रहे हो, चुप ही नहीं हो रहे हो, नहीं, लिसनिंग के मार्क्स हैं तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको, सुनो पहले, ठीक है, पहले सुनो फिर बोलो, और उतना बोलो जितना रिक्वायर्ड है, यू आर नॉट सपोज टू ब्लैबर एनीथिंग, पूरी दुनिया जहान की चीजें आप बता रहे हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है।
डोंट ब्लफ और लाई, झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं करना है. डिप्लोमैटिक होना इज अ डिफरेंट थिंग. डिप्लोमैटिक होना मतलब आप वर्ड्स को वाइजली इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए नेगेटिव नहीं कर देना है चीजों को. इंटरव्यू आपके फेवर में हो इसलिए वर्ड्स इस तरह से इस्तेमाल करो आप कि चीजें थोड़ी सही रहे, ठीक है. लेकिन ब्लफ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना. Do not use the table for your hands. हाथ रखने के लिए टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है. Don't put your hands on the face. I already told you. Always show gratitude. जहां भी possible हो gratitude show करो. And the most important thing is answer the last question asked. वो आपसे last एक question पूछेगा, definitely पूछेगा, और वो ये होगा, Do you have any question for us? वो आपसे ये पूछेगा. इस question के लिए कभी मना नहीं करना है. Compulsory question होता है, कभी ये मत बोलना No, I do not have any question. नहीं, कुछ भी पूछो. आस्क अबाउट को करिक्युलर्स, आस्क अबाउट ड्रामेटिक सोसाइटी, थिएटर सोसाइटी, पब्लिक स्पीकिंग, आस्क अबाउट एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज, आस्क अबाउट इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, आस्क अबाउट इंटर्नशिप्स, आस्क अबाउट लाइफ प्रोजेक्ट्स, आस्क अबाउट हॉस्टल. कुछ भी पूछो, लेकिन पूछो. ये नहीं बोलना है आई डो नॉट हैव एनी क्वेश्चन. इसका रीजन ये होता है कि इफ यू डो नॉट हैव अ क्वेश्चन, दैट क्लियरली गिव्स एन आइडिया कि आप उस चीज के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं, आपके मन में कुछ नहीं है, आप बस चाहते हो कि जल्दी जल्दी एंड हो जाए और आप चले जाओ. हालांकि ये हो सकता है, यही सच है, बट ये शो नहीं करना. आस्क एनीथिंग बट डू आस्क, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल. आपके चेहरे पे कितना ही आप शिवर कर रहे हो, कितनी आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, एक स्माइल जरूर, ठीक है. एक छोटा सा टिप आपको मैं देती हूँ, आजकल बहुत ही कॉमन ये चीज पूछी जा रही है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट चेक करने को. वो ना आपसे डेफिनेटली ये बोल सकता है कि आप ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो. You're looking so stressed out. I do not think आप मेरे कॉलेज के लिए यू नो ठीक हो. इस क्वेश्चन पे पैनिक मत करना. वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आप उस स्ट्रेस को, इस तरह की चीज को, जब ये बैकफायर होता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो. सो बी वेरी पोलाइट एंड से सो ऑफ कोर्स आई एम बिट एंशियस राइट नाउ बिकॉज दिस इज माई इंटरव्यू फॉर आई एम इंदौर, बट आई डोंट थिंक आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट और आई एम नॉट फिट फॉर दिस कॉलेज. आई थिंक आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड आई डू बिलीव दैट यू फील द सेम. सो ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट मत होना. वो आपसे बोल सकते हैं, यार कितनी घटिया बात करते हो यार, तुमसे तुम्हें तो कम्युनिकेशन ही नहीं आती. सिंपली बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर इफ आई ऑफेंडेड यू, आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन. बी वेरी पोलाइट एंड से दैट. स्ट्रेस्ड आउट मत होना, ये आपको स्ट्रेस करने के लिए ही पूछा जा रहा है और वही नहीं होना है. डरो मत, ठीक है. वो आपसे यही जानना चाह रहा है कि इस तरह का अगर आपके पास बैकलैश आता है तो आप उसको हैंडल करते कैसे, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी कैसे, ठीक है. Okay, so that should be very much it for this particular video. I think इतना ज्ञान आपके IIM interview को crack करने के लिए बहुत था. Please, एक एक चीज का ध्यान रखना, अच्छे से वीडियो को देखना, एक बार देखना, दो बार देखना, अच्छे से समझना, answers prepared रखना अपने mind में, and जब आप बोलो तो I do believe कि आप बिल्कुल confident रहो, ठीक है, और आपकी personality groom करके आए सामने, ठीक है. So that's all I can say. Thank you very much and all the very best. Wishing you all the luck. And I really wish कि सब के सब सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है. तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना शुड बी इनफ. वी शुड एंड इट हियर. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. हो सकता है हम वहाँ पे कुछ और डिफरेंट चीज के बारे में बात कर सकें. ओके, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन योर फ्यू थॉट्स ऑन दिस थिंग और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. ओके, यस, हैव अ गुड डे. बाय बाय.